राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद मुरादाबाद के बैनर तले सिविल लाइन स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस के मीटिंग हॉल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अन्याय के खिलाफ हमेशा राज्य कर्मचारियों के साथ खड़े रहने वाले बीएन सिंह की 23वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सबसे पहले बीएन सिंह को खैराज अकीदत पेश की गई और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। आपको बता दें कि राज्य कर्मचारी के हितों की हमेशा लड़ाई लड़ने वाले बीएन सिंह एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। बीएन सिंह ने कर्मचारियों के हितों को लेकर संघर्ष किया और उनको न्याय दिलाया। आज वह भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बताए रास्ते पर चलकर कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा रही है। वहीं उनके नक्शे कदम पर चलकर समय समय पर संगठन की तरफ से कर्मचारियों की आवाज को बुलंद कर न्याय हित में काम किया जाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद मुरादाबाद के अध्यक्ष श्रीकांत शर्मा ने कहा कि आज उन सभी लोगों के लिए खास दिन है, क्योंकि इस दिन वह अपने संगठन के उस योद्धा को याद कर रहे हैं जिसने सारी जिंदगी उनके हितों की रक्षा की। आज भले ही वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बताए रास्ते पर अपने साथियों के साथ चलकर अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज प्रदेश लेवल पर राज्य कर्मचारी परिषद द्वारा परम आदरणीय बीएन सिंह जी की परिवार दिवस मनाया गया, जिसमें राज्य कर्मचारी परिषद जिला मुरादाबाद से संबद्ध जितने संगठन हैं उन सभी लोगों ने प्रतिभाग किया। चालक संघ, विकास प्राधिकरण, स्वास्थ्य परिषद और वाणिज्यिक कर वर्क चार्ज कर्मचारी संघ, इस प्रकार से तमाम संगठनों द्वारा आज प्रतिभाग किया गया है। और ये ऐसे पुरोधा हैं कर्मचारियों के, जिनको नमन करना, जिनको याद करना प्रत्येक कर्मचारी को एक गौरव की बात है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रत्येक कर्मचारी को भारत सरकार की कर्मचारियों की भांति पेंशन दिलाने का काम किया था। ऐसे पुरजोर योद्धा को हम लोग बड़ी श्रद्धा से उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि प्रत्येक वर्ष मनाने का हम लोग संकल्प भी लेते हैं। कर्मचारियों की लगातार जो समस्याएं हैं राज्य कर्मचारी परिषद प्रदेश लेवल पर उसको राज्य सरकार को पहुंचाता रहता है। पेंशन की व्यवस्थाएं के संबंध में भी काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई, लखनऊ में भी हुई है। जो भी इस पर निर्णय परिषद का होगा, राज्य कर्मचारी परिषद और मुरादाबाद जिले का संगठन उसको पूरी तरीके से अक्षरशः पालन करने का प्रयास करेगा। आज जो कार्यक्रम है, हमारे जो प्रदेश के सारे संगठन हैं उनके पुरोधा स्वर्गीय बीएन सिंह की पुण्यतिथि है, जिसको हम लोग आज एक उसके रूप में मना रहे हैं कि जो कर्मचारियों को बोलने का सम्मान, मान सम्मान और हमारे कर्मचारियों को केंद्र के बराबर राज्य में जो तनख्वाह मिल रही है ये उन्हीं की देन है। तो आज उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो उनको श्रद्धांजलि सभा देंगे। उसके बाद हम और अभी आने वाले समय में हमारी बहुत कठिनाइयां हैं, जिसे पुरानी पेंशन को लेकर पूरा आंदोलन करना है, उसकी रणनीति भी बनाएंगे। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी संगठन, एमडीए के साथी हैं हमारे, हमारे वर्क चार्ज कर्मचारी संघ के साथी हैं, ड्राइवर संघ के साथी हैं, कुछ साथी हमारे अभी पहुँचने वाले हैं। तो काफ़ी विभागों के साथियों को सूचित कर रखा है, जो कुछ लोग अपने अपने कार्यालय में भी मना रहे हैं। स्थिति को साथियों ने जो सुझाव रखा कि माननीय बीएन सिंह की जो एक मान्यता थी शुरू से कि कर्मचारियों को सरकार सम्मान दे, उनको एक जो कर्मचारियों का हक मिलना चाहिए वो हक दे और उनको काम के साथ साथ उनको वो सम्मान भी मिले कार्यालय में जो वो चाहते हैं। आज के समय में कर्मचारियों से काम बहुत लिया जा रहा है, लेकिन जो हमें सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल रहा है, जो सुविधाएं मिलने चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन फिर भी सरकारी कर्मचारी उस काम को कर रहा है।